भाई लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम चौसा का मेला मंडी में अभी भी पहुँचे तो हमारी नज़र देखिए सीधा इसी गायों के ऊपर पड़े। अभी अभी ये गायें जो हैं बिक रही हैं, दोनों की दोनों दुधारू गाय हैं। अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे कि गाय कितने में बिक रही है। बच्चा इसके पास क्या है जी? बछड़ा है। बछड़ा है। एक नई गाय है। ना लावे को मर गए मिला दो तो ये तो प्रतिष्ठा रहे धार में काफी अच्छी है। मिला दो के लगी तो ये तो प्रतिष्ठा रहे चाहिए। और फोटो चली गई ये की ना तो तरह के तो बराबर एक गाय का धार वगैरह सब देख लिया गया। अब दूसरी का यहाँ पे देखिए बच्चे को छोड़ा जा रहा है। इसका क्या बच्चा है जी? बछड़ा है। बच्चे को छोड़ दिया गया ताकि गाय पेनाहों की स्थिति में आए। वो दूसरे में है क्या? हमारे गुल्लू खाली है। भाई लोग जब भी आप लोग गाय की खरीदी करने के लिए आए यहाँ पे या फिर किसी भी मेला मंडी में जाए या फिर कहीं भी, तो अपने साथ एक अनुभव वाले व्यक्ति को लेके ही जाए जिन्हें गायों के मामले में अच्छी सी जानकारी हो। काफी अच्छी धार में है, अच्छी गाय। ये दोनों गाय कितने में पड़ी है जी? दोनों गाय तीन है। तीन है। इसके कितने में बिकी? इसका दाम? हाँ हाँ, इसका दाम 65 है। ये 65 पे गई है। और ये वाली ये तो जोड़ा दोनों, तो दोनों को दाम उतना रखा जाएगा। मगर कुछ मान लीजिए 65 कम। कितने पे है ये? 60 मान लीजिए। 60 पे है भाई लोग। ये जो गाय है ये 60,000 में है, वो 65,000 रुपये में। दोनों गायों के पास जो बच्चे हैं वो बछड़े हैं। भाई लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग के सामने गिर नस्ल की बछिया दिख रही होगी। ये बछिया ही है। हाँ, अभी दांत में दो दांत बताई जा रही है। उधर ही ले चलिए, उधर ही, उधर ही, है ना? आराम से, आराम से, आराम से। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गाय है, लेकिन गाय नहीं। मैं अभी आप लोगों को थन दिखा रहा हूँ। इसके जो विकसित थन है वो देखिए, है ना? कहीं ना कहीं कोई पशुपालक अपने यहाँ इस बछिया को रखा होगा। शायद हीट में ना आने के वजह से हमें लग रहा है इस बछिया को उस किसान को, इस पशुपालक को बेचना पड़ा होगा, है ना? गिर नस्ल की गायों में थोड़ा समय लगता है, कम से कम 2.5 साल लग जाता है इसको हीट में आने में या तैयार होने में। बहुत से लोग जो हैं अपने यहाँ गिर गाय को संभाल नहीं पाते हैं। हमारे यूपी और बिहार में अधिकतर देखने को मिल रहा है। गिर गाय तो रख ले रहे हैं लोग, लेकिन उसे संभालना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जा रहा है। गर्भधारण की समस्या बन रही है, कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना समय और पैसा ये नुकसान न करें, गिर नस्ल की गाय का पालन न करें, अन्य नस्ल रख लीजिए आप लोग। इसके जगह पे साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, गंगा तीरी, इस तरह की नस्ल रख लीजिए। काफ़ी अच्छी ये बछिया है।
भाई लोग, कल दशहरा पर्व था, विजयदशमी त्यौहार था, और शायद यही कारण है कि आज के चौसा का मेला मंडी में गाय बहुत कम आई हुई है बिक्री होने के लिए। लेकिन फिर भी अपनी कोशिश है कि यहाँ से उपयोगी गाय को दिखाएं। नमस्कार, ठीक है ना? लगी ना चा, आपकी नज़र से इस गाय का क्या दाम होना चाहिए? तीस के नीचे। तीस के नीचे। 25 और 28 के बीच में। क्या दाम बा हो? दाम? 35 वही नीचे। हमरोज कीमत में हमकी मालूम? हाँ हाँ। बेचने वाले व्यक्ति जो है इस गाय का कीमत 35,000 मांग रहे हैं। बच्चा इसके पास बछड़ा है, अभी हाल ही का है बच्चा, इसका नाभि लगा हुआ है। इस गाय के लिए लोग बातचीत चला रहे हैं, अगर ये गाय तुरंत यहाँ पे बिक्री हो रही है तो तुरंत हम आप लोगों को दिखाएंगे कि गाय कितने में बिक रही है। 4 लीटर टाइम का दूध के लिए गाय कहीं भी नहीं गई है, बहुत अच्छी दूध करेगी, है ना? देसी में ही आएगी। बातें यहाँ पे चल रही है, अगर तुरंत सौदा बनता है तो तुरंत हम दिखाएंगे। सुना तू का जन है? सुना हम बताओ तू मिन जन है तो खरदले हम तो जन है तो मैं माफ कर दे। खरीदार व्यक्ति इस गाय का कीमत 22,000 दे रहे हैं और जो गाय बेचने वाले व्यक्ति हैं वो 25,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। हम अभी अभी सुन रहे हैं। जितना उतना ले धार मारे आ नहीं फिर मत जाओ धार मार लो। हाँ चल चल ले जा ले ले जबान से तो उनकी कीमत ना हो मारा कह देना हो बस जान जा दे देने पर इस गाय की खरीदी के लिए काफी बातें किए हैं लोग। करीब 15 मिनट से बातें चली है, इसके बाद ये गाय पूरे पूरे 23,000 रुपए के खरीदी जा रही है। ये जो बाबा हैं जो सामने आप लोग को दिख रहे हैं यही सौदा कराए हैं, है ना? जिन व्यक्ति के पास ये गाय जाएगी उनके घर दरवाजे पे 4 लीटर से कम दूध नहीं करेगी टाइम का, अच्छे से खिलाए पिलाए जाए तो। अब ये नहीं कि बगैर खाए पिए इसको दुहा जाए तो दूध कहाँ से करेगी। चारों थन को बारीकी से देख रहे हैं। भाई लोग जितने भी आप लोग वीडियो में गायों को देख रहे हैं ये सब A2 मिल्क वाली गाय हैं। इस तरह का दूध आपके पूरे परिवार के लिए सबसे सही है ना, ये घर के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अरे क्या कर करीबा वाला कदर होला करीबा वाला क्या कर पड़िया होला। हां अरे ले जा तने होनिया ले जा चले जाओ आगे ले जा नंबर हो गया करीबा पगड़िया वाला भैया कच्चे दे ऊ तो खतरनाक हुआ तो उनकर बाद कदर खाली के लिए नहीं भैया मिले थे वो तो अपन बतिया बता देना अपन बतिया बता देना तो ये तो फंसा देना कोई से बतिया जरा तो कदर करेंगे ना पता नहीं।
भाई लोग चौसा के मेला मंडी में इस तरह की छोटी नाटक कद की गाय भी आती है बिक्री होने के लिए। काफी छोटी गाय है। राजा हिंदुस्तानी कितना दूध करेगी ये? दूध इसके पास 6 लीटर है, दोनों टाइम के मिलकर 1 लीटर 2 लीटर दूध के लिए ये गाय कहीं भी नहीं गई। 3 लीटर टाइम पर दिखाती है, 2 लीटर 6 लीटर थोड़ा इसको घुमाइए तो भैया। दूध के मामले में कुछ ज्यादा ही बताया जा रहा है, लेकिन हाई मिल्किंग वाली गाय नहीं है, होता है छोटा, कीमत ज्यादा हो जाता है। इनका कहना है कि हीरा होता है छोटा, कीमत ज्यादा हो जाता है। बहुत ही नाटक गद की गाय है इस तरह। बच्चा क्या है इसका? बछड़ा है। बच्चा बछड़ा है, बछड़ा है। देख लीजिए ये कैसा है। सीधी शांत गाय है, सिर्फ हमसे भड़क रही है और अन्य लोगों को देख के। क्या दमो रखे हैं इसका? दाम इसका मांग रहे हैं 20,000। बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अरे मांगने से भिक्षा नहीं मिलता। एक देने वाला बता दीजिए, छोड़िए देने वाले। पंद्रह हजार रुपए में इस गाय को भैया बता रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये गाय जो है अगर 8-9 हजार के अंदर अंदर आ जाए तो उचित है। 1.5-2 लीटर दूध के लिए गाय कहीं भी नहीं गई है, ठीक ठाक है। लगन खाती ठीक भैया, लड़का बच्चा खातीन? हाँ हाँ ठीक भैया, अच्छा भैया। कौन जगह ये कल? हाँ बहुत सुंदर। बच्चा इसके पास बछिया है ना भैया? इसके पास भी बछिया है, देखो ना ये। अब देश में बहुत ही बड़े पैमाने पे दूध की डेयरियां खुल रही है। ऐसे में क्या है कि लोग दूध की पूर्ति के लिए वो दूध की गाय खोजते हैं, तो उनके लिए देखिए ये गाय। चौसा का मेला मंडी में जब भी आप लोग आएंगे तो इस तरह की भी गाय आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। नमस्कार, ठीक है ना? ये गाय कैसी है? ठीक है भैया। देसी है या फिर देसी में नहीं है? दोगली में है। दूध कितना दे देगी आपके देखने से? दूध दे देगी 20 लीटर। 10 लीटर टाइम का? हाँ 10 लीटर टाइम का। इसका बच्चा क्या है? इस गाय बछिया है। कितना दूध देगी? अरे 20 लीटर देगी। इस गाय की खरीदी करने के लिए बहुत से ग्राहक आए हुए हैं, कारण यही है कि भाई चले गए, लेकिन 10-8 लीटर दूध क्षमता जरूर होगा इसका टाइम का, है ना? ये दूध डेयरी वाले लोग इस तरह की गाय की खरीदी करते हैं। बच्चा इसके पास बच्चिया बताई जा रही है। अच्छी गाय है। का दाम रखे है इसका? दाम 55,000। 55,000। दूध कितना टाइम का दे देगी? दोनों टाइम में 16 लीटर।
8 लीटर इसका कीमत यहाँ पे 55,000 रुपये बताया जा रहा है। खरीदार व्यक्ति वहां तक पहुंचे हैं और उसकी दांत को देख रहे हैं, दांत में 6 दांत बताई जा रही है। डेयरी फार्म के लिए सबसे उपयोगी गाय भाई। इस गाय के लिए बातचीत यहाँ पे देखिए चल रही है। उतना कोई ना पड़ती है मेला में। जो खरीदार व्यक्ति है कहीं ना कहीं 40,000 रुपए के आसपास कीमत लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं दाम? 45 लगा दिए। कई लोग इस गाय की खरीदी में लगे हुए हैं। एक भाई देखिए वहाँ पे मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं।